आइए हम एक और प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है, फलन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर का प्रांत ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रांत पहले आपको जब फलन का परिभाषा दिया गया था वहां पर फलन के प्रांत की भी परिभाषा दिया गया था। तो जब भी प्रांत पूछे तो आपको ध्यान रखना है परिभाषा को। किसी फलन का प्रांत x के वे मान होते हैं जिनसे ये फलन परिभाषित हो जाए, अर्थात कोई परिमित मान दे, निश्चित मान दे, ये ध्यान रखना है बच्चों। आइए हम हल करते हैं इसको। क्योंकि दिया गया फलन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर जो एक परिमेय फलन है, तो इस परिमेय फलन को परिभाषित होने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? अर्थात यह फलन तभी परिभाषित होगा जब इसका हर का मान शून्य ना हो, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो चलिए बच्चों हम ढूंढते हैं कि एक्स के कौन कौन से ऐसे मान हैं जिनके लिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसके लिए हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर का गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो। मध्य पद को गुणनखंड करने के लिए क्या कर रहे हैं? मध्य पद को अर्थात माइनस फाइव एक्स को दो भागों में बांटते हैं और इसको और सरलतम रूप में लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस फोर माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात एक्स माइनस फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। देयर एम्प्लाइज एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, अर्थात स्पष्ट है कि x बराबर चार व x बराबर एक को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए यह परिभाषित होगा। तो बच्चों इस फलन को परिभाषित होने के लिए केवल एक और चार को छोड़ना होगा। तो इस प्रकार f का प्रांत यानी दिए गए फलन का प्रांत एक और चार को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या। तो बच्चों इसको हम सांकेतिक रूप में लिखेंगे r माइनस वन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि f इज इक्वल टू क्रमित युग्म वन वन कामा टू थ्री कामा जीरो माइनस वन कामा माइनस वन माइनस थ्री z से z में एक रैखिक फलन है तो f ऑफ x ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न पे यदि हम गौर करें तो यहां पर फलन के अवयव क्रमित युग्म के रूप में दिए गए हैं और हमें फलन ज्ञात करना है, यहां पर एफ एक्स ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं बच्चों। प्रश्न में दिया है चूंकि एफ यानी फलन जेड से जेड में रैखिक फलन है, ये दिया है, तो रैखिक फलन का मानक रूप होता है f ऑफ x इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब चूंकि हमें f दिया है वन वन कॉमा टू थ्री कॉमा जीरो माइनस वन कॉमा माइनस वन माइनस थ्री, तो जैसे पहला क्रमित युग्म है वन वन, तो क्या मतलब बच्चों x इज इक्वल टू वन तो f ऑफ वन इज इक्वल टू वन, ठीक है बच्चों। टू थ्री का क्या मतलब है? x इज इक्वल टू टू तो f ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री, ठीक इसी प्रकार से तीसरा क्रमित युग्म x इज इक्वल टू जीरो तो f ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस वन और चौथा क्रमित युग्म माइनस वन माइनस थ्री से स्पष्ट है x इक्वल टू माइनस वन तो f ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो अब चूंकि रैखिक फलन का मानक रूप क्या होता है बच्चों? f ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें x का मान रखते जाएं और f ऑफ x का मान रखते जाएं
तो हमको पहला रिलेशन मिलेगा m इंटू वन प्लस सी इज इक्वल टू वन, अर्थात m प्लस सी इज इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू रखने पर मिलेगा m इंटू टू प्लस सी इज इक्वल टू थ्री, या 2m प्लस सी इज इक्वल टू थ्री, ये दूसरा समीकरण मिला। फिर x इक्वल टू जीरो रखने पर m इंटू जीरो प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वन, सरल करने पर यहां पर c इज इक्वल टू माइनस वन, ये तीसरा समीकरण। और x इक्वल टू माइनस वन रखने पर m इंटू माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू माइनस थ्री, इसे सरल करने पर माइनस एम प्लस सी इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये चौथा समीकरण। बच्चों इस प्रकार से हमें m और c में चार समीकरण प्राप्त हुआ। अब इनको हल करके हमें m और c प्राप्त करने हैं। तो यदि आप देख रहे हैं समीकरण नंबर तीन में c का मान सीधे ही प्राप्त हो जाता है, c इज इक्वल टू माइनस वन, तो c के इस मान को किसी भी एक समीकरण में रखकर हम m का मान निकालेंगे। चलिए हम समीकरण एक में c बराबर माइनस वन रख देते हैं, तो समीकरण एक का रूप हो जाता है m प्लस माइनस वन इज इक्वल टू वन, देयर एम्प्लाइज m इज इक्वल टू वन प्लस वन, अर्थात m इज इक्वल टू टू। इस प्रकार बच्चों हमें c का मान माइनस वन और m का मान टू प्राप्त होता है। इसे हम f ऑफ x इक्वल टू एम एक्स प्लस c में रखते हैं तो हमारा अभीष्ट रैखिक फलन होगा f ऑफ x इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, ये हमारा आंसर होगा। बच्चों हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ये प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रत्येक फलनों का परास ज्ञात कीजिए। पहला दिया है f ऑफ x इक्वल टू टू माइनस थ्री एक्स, जहां x बिलोंग्स टू R और x इज ग्रेटर देन जीरो। दूसरा प्रश्न है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस टू, जहां x एक वास्तविक संख्या है, यानी x बिलोंग्स टू R। तीसरा प्रश्न दिया है इसमें f ऑफ x इक्वल टू x, जहां x एक वास्तविक संख्या है। अब बच्चों प्रश्न में पूछा है इनका परास ज्ञात कीजिए, तो परास निकालने के लिए हमें परास की परिभाषा जानना होगा। फलन का परास क्या होता है, या उसी को परिसर भी कहते हैं, रेंज। तो किसी फलन का प्रांत, परास का मतलब क्या है? प्रांत x के संगत y अर्थात fx के सभी मानों का समुच्चय परास होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न में दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू टू माइनस थ्री एक्स, जहां x बिलोंग्स टू R और x इज ग्रेटर देन जीरो। मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयर एम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स का मान रखिए, तो y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स। बच्चों अब हम यहां पर x का मान y के पदों में निकालेंगे। इसको y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स को सरल करके हम x का मान y के पदों में निकालेंगे, तो क्या मिलेगा बच्चों? इसको सरल करिए, थ्री एक्स इज इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई, देर एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टू माइनस वाई बाई थ्री। अब चूंकि हमें दिया है x इज ग्रेटर देन जीरो और x बिलोंग्स टू R, अब चूंकि x इज ग्रेटर देन जीरो, अब x का मान रखिए, देर एम्प्लाइज टू माइनस वाई बाई थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, देर एम्प्लाइज टू माइनस वाई इज ग्रेटर देन जीरो, देर एम्प्लाइज माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस टू। इस असमीका के दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए तो हमें मिलेगा y इज लेस देन टू, y इज लेस देन टू, y मतलब परास, y के वे सभी मान जो इस असमीका अर्थात y इज लेस देन टू को संतुष्ट करता है वह इस फलन का परास होगा। तो y इज लेस देन टू यानी दो से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों? फलन f का परास इज इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग्स टू R और y इज लेस देन 2। इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, जहां x एक वास्तविक संख्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हम f ऑफ x का मान रखते हैं, देयर इंप्लाइज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। बच्चों यहां पर भी हम परास निकालने के लिए x का मान y के पदों में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2, देयर इंप्लाइज x इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 2। अब हमको दिया x एक वास्तविक संख्या, प्रश्न में लिखा है x एक वास्तविक संख्या है, यह तभी संभव हो सकता है जब ये वर्गमूल के अंदर y माइनस 2 जो है वो 0 या 0 से बड़ा हो, अर्थात y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयर इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या मतलब? y अर्थात इस फलन का परास 2 या 2 से बड़ी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, अर्थात इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, f का परास इज इक्वल टू y such that y belongs to R और y is greater than or equal to 2। तीसरा प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न है f of x equal to x, जहां x एक वास्तविक संख्या है। मान लेते हैं f of x equal to y, अर्थात y is equal to x, f of x का मान रख देते हैं, तो y is equal to x। अब यहां पर देखने को मिला x एक वास्तविक संख्या है, इसका मतलब y भी एक वास्तविक संख्या है, तो y एक वास्तविक संख्या अर्थात y belongs to R, therefore दिए गए फलन f का परास is equal to y such that y belongs to R। बच्चों अब हम कुछ ऐसे प्रश्न लेते हैं जिसमें फलन का प्रांत एवं परिसर दोनों ज्ञात करना होता है। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x, और दूसरा प्रश्न है f ऑफ x इज इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस x स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर प्रांत एवं परिसर पूछा गया है, तो आप दोनों के परिभाषा को ध्यान रखेंगे। प्रांत पूछा है तो x के उन मानों को निकालना है जिनसे फलन परिभाषित हो जाए, और परिसर x के संगत यानी प्रांत के संगत y के मान को निकालना होता है। चलिए हम पहला प्रश्न लेते हैं, दिया है f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x। चूंकि प्रांत x के वे सभी मान जो f ऑफ x को परिभाषित करता है होता है, चूंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए f ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। आप गौर से देखें यहां पर फलन क्या दिया है बच्चों, f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x दिया है ना, तो मॉड ऑफ x के सामने माइनस लगा है, तो x जो है कोई भी वास्तविक संख्या हो एफ एक्स हमेशा शून्य या निगेटिव हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बच्चों फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, इसलिए फलन एफ का प्रांत बराबर आर, या इसी को हम लिख सकते हैं इन ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। प्रांत को हम अंतराल के रूप में भी लिख सकते हैं बच्चों, यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को यदि हम इंटरवल के रूप में लिखें, अंतराल के रूप में लिखें, तो हम इन ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिख सकते हैं। अब इसका परिसर देखिए, परिसर अर्थात रेंज, ये कहता है प्रांत x के संगत एफ एक्स के सभी मान होता है, तो मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x, चूंकि x बिलोंग्स टू R, therefore मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयर एम्प्लाइज माइनस ऑफ मॉड ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, देयर एम्प्लाइज y is less than or equal to
जीरो, अतः एफ का परास बराबर वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आर और वाई इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो। इसे अंतराल के रूप में हम लिख सकते हैं, एफ का परास बराबर ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल जीरो। दूसरा प्रश्न पर विचार करते बच्चों, यह है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। अब पहले हम प्रांत निकालते हैं, प्रांत अर्थात एक्स के वे सभी मान जो एफ एक्स को परिभाषित करता है। चूंकि एफ एक्स एक वर्गमूल फलन है, तो बच्चों वर्गमूल फलन कब परिभाषित होता है, वर्गमूल के अंदर की राशि शून्य या धनात्मक राशि हो, इसलिए फलन एफ ऑफ एक्स परिभाषित होगा यदि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। देयर इंप्लाइज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। देयर इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा। यदि हम इसका गुणनखंड करें तो हमें मिलेगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। देयर इंप्लाइज x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब यह कब संभव है यह समझना होगा बच्चों, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 यानी दोनों का गुणनफल शून्य या शून्य से छोटा कब होगा। यह तभी संभव होगा जब इनमें से एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक हो। तो पहली स्थिति में x प्लस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तब x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो इस स्थिति में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3 और x इज लेस देन और इक्वल टू 3। इसको संख्या रेखा पर यदि अंकित करें, संख्या रेखा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में माइनस 3 और 3 दो पॉइंट ले, और पहला जो असमीका है x इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन माइनस 3 उसको आप अंकित करें, और x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 को अंकित करें, और दोनों में कॉमन एरिया को देखें, आप चित्र में देखें, आप स्क्रीन पे देखें बच्चों, दोनों में जो कॉमन एरिया है माइनस 3 से 3 है, इसलिए x बिलोंग टू माइनस 3 से 3। और दूसरी स्थिति आप देखते हैं x प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तब x माइनस 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या कह सकते हैं x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 3 और x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। इसे हम संख्या रेखा पर अंकित करें, क्या x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 3 को और x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 को अंकित करें, तो यहां पर कोई भी कॉमन एरिया नहीं मिल रहा है, अर्थात यह स्थिति संभव नहीं है। पहली स्थिति ही संभव है, x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 3। इसलिए इस फलन f का प्रांत इज इक्वल टू इन क्लोज इंटरवल माइनस 3 टू 3। अब इसका परिसर देखिए बच्चों, परिसर प्रांत x के संगत y अर्थात fx के सभी मानों का समुच्चय निकालना होगा। तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स का मान रख देते हैं y इज इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देयर एम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x, देयर एम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस y स्क्वायर, देयर एम्प्लाइज x इज इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस y स्क्वायर। अब यहां पर x का मान क्या आ रहा है, रूट ओवर 9 माइनस y स्क्वायर, जबकि इसका प्रांत आपने क्या प्राप्त किया, प्रांत में देखिए x वास्तविक मान को ग्रहण करता है, और यह तभी संभव होगा जब ये रूट के अंदर 9 माइनस y स्क्वायर है उसका मान शून्य या शून्य से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, देयर एम्प्लाइज y स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 9 होगा, देयर एम्प्लाइज माइनस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू y इज लेस देन आर इक्वल टू 3 होगा, देयर एम्प्लाइज y बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 3 होगा। परंतु y ऋणात्मक नहीं हो सकता बच्चों, ये ध्यान रखना है। यहां पर आपने प्राप्त क्या किया है, y बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल माइनस 3 टू 3, लेकिन y ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हमको ऋणात्मक मान को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्या y इज इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल माइनस 3 टू 3। तो देयरफॉर
y belongs to enclosed interval 0 to 3 for all x belongs to minus 3 to 3. इस प्रकार से दिए गए फलन f का परिसर is equal to enclosed interval 0 to enclosed interval 3. ठीक है बच्चों, तो ये परिभाषा को ध्यान पे रखते हुए आपको प्रांत एवं परिसर दोनों प्राप्त करना होगा।